देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे लिनक्स, यूनिक्स, विंडो और डॉस से संबंधित एमसीक्यू। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्या क्या एमसीक्यू ज्यादातर जो पेपर है, कंपटीशन पेपर है, उसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग साथ के साथ सॉल्व करेंगे। आप देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि लिनक्स क्या है। तो आप ये समझिएगा कि अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूं तो सॉफ्टवेयर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है, यूजर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, चाहे वो वर्ड प्रोसेसर है, चाहे वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। तो लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिस पे हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेंगे, रन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है। मतलब ये पूछ रहा है कि आखिर कौन सा इंटरफेस है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए आपको ध्यान होना चाहिए कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो ये चीज मैंने वीडियो में भी आपको बताई थी, जो OS का कंप्लीट वीडियो है जिसमें एमसीक्यू से रिलेटेड बातें बताई गई है, उसे बताया गया है कि सबसे पहले जो कमांड आप जो देते हैं वो आप सेल पर देते हैं। सेल पर जब वो कमांड दी जाती है तो वो जाती है आपके कर्नल के पास, और कर्नल जो है वो किसका उपयोग लेता है, सिस्टम कॉल का। तो सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल एक इंटरफेस है जो कि एक प्रोग्राम का समूह है, एक छोटा प्रोग्राम का समूह है जो कि OS से संबंधित सभी कार्य आपको करने में मदद करता है। अब नेक्स्ट आते हैं डॉस में। तो डॉस में आपको याद रखना पड़ेगा कि फाइल नेम की लेंथ अधिकतम कितनी होती है, 8 की होती है, आप ये याद रखिएगा। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था, वही सेम मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से OS की हिस्ट्री मैंने आपको समझाई थी, तो उसे आपको बताया गया था कि 1950 के बाद में OS के संस्करण स्टार्ट हुए थे, वर्जन स्टार्ट हुए थे। फिर पूछा गया निम्न से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है। तो आप ये समझिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो इजिली अवेलेबल रहते हैं, जिनकी कोडिंग अवेलेबल रहती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो आप ये देखिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा कि भाई गूगल क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी प्रकार से लिनक्स है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आजकल अगर आप जावा बेस ऑफिस यूज करना चाहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, तो ओपन ऑफिस है। तो एक ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो एक ओपन सोर्स नहीं है, मतलब जिसका चार्जेस भी आपको नहीं देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पूछा गया निम्न कौन सा सत्य नहीं है। तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा था, अभी दो मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपकी प्रोसेसिंग होती है, कि सबसे पहले सेल के पास आता है, फिर वो कर्नल के पास में जाता है, और कर्नल जो है वो सिस्टम कॉल का उपयोग लेता है, और सिस्टम कॉल एक मॉड्यूल होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसने क्या कहा है कि सत्य नहीं है, कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है, ये तो कंफर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया जा सकता, जबकि वो चलाने में लोड किया जाता है। बाकी बातें वही सेम बातें जो मैं आपको कह ही रहा था कि कर्नल एक केंद्रीय कोर है, सेंट्रल कोर है आपका, और बूटिंग के दौरान मेमोरी के अंदर कर्नल ही आपका हिस्सा होता है जो लोड होता है, और ये कुछ बातें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बढ़िया रहेगा कि आप OS की एक लिस्ट बना के रखिएगा जिससे आपको ये पता लगे भी कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन से आपके नहीं है। अब अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली जो चीज है वो है इनमें से कौन सा OS नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका देखिए DOS है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो MUS है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब इस प्रकार का आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं किया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। भाई मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सा है उसकी ये बात पूछी गई है। तो आप ये देखिएगा कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज इसने कहा MVS है, फिर नेक्स्ट इसने कहा OS
टू है, फिर यूनिक्स है, तो मल्टी प्रोसेसर है सारे के सारे। इन सभी में ही मल्टी प्रोसेसर का उपयोग लिया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा वो मल्टी प्रोसेसर होना जरूरी है क्योंकि कई कार्य आपको एक साथ करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज, अब पूछा गया है कि डिस्क और फाइल मेंटेनेंस किसका भाग है। डिस्क और फाइल मेंटेनेंस की बात पूछी गई है तो आपको पता ही होगा डिस्क और फाइल मेंटेनेंस जो है वो आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। उसके बाद देखिए एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप वीडियो को देखेंगे तो उसे मैंने अलग अलग तरह के ओएस बताए थे, उसमें एक एम्बेडेड ओएस के बारे में बताया गया था और ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। भाई यूनिक्स ओएस की बात चल रही है और ये पूछा जा रहा है कि वो किस प्रकार का है, क्या वो जनरल एप्लीकेशन है नहीं, क्या वो सिंगल यूजर है ये भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि कई यूजर एक साथ में आपके इसमें क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि की जानकारी पर लिखते हैं, कहां आपकी जो भी एरर आती है वो कहां लिखी जाती है, वो हमेशा लॉग फाइल में लिखी जाती है। ये ओएस की एक विशेषता, एक फाइल होती है लॉग फाइल, जैसे कि हम लोग जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी लॉगिन होता है वो सारी इंफॉर्मेशन, जो भी एरर है वो सब इसके अंदर स्टोर रहती है। नेक्स्ट है सिस्टम जो एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम आपका हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप ये देखिए कि ओएस एक्स है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस है, लेकिन सी प्लस नाम से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिक्स में कौन सी सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाती है। देखिए ये कमांड आपकी ओएस की कमांड है, यूनिक्स की कमांड है और मेरे वीडियो में या नोट्स में नहीं मिलेगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा फोर्क एक ऐसी कमांड है जो एक प्रोसेस से नए प्रोसेस को बनाता है। तो याद रखिएगा फोर्क कमांड के द्वारा आप नए प्रोसेस को बना सकते हैं। एक प्रक्रिया की तैयार स्थिति किसे कहेंगे, मतलब जब आपका प्रोसेस तैयार है उसे चलाने के लिए तब आप उसे क्या कहेंगे, मतलब ये कह रहा है कि उसमें क्या होगा। तो आप देखिए जब एक निष्पादन प्रक्रिया चलाने के लिए निर्धारित हो जाता है तो वो स्टार्ट हो सकता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। अब आप ये देखिए ये प्रोसेस शुरू लेकर, शुरू से लेकर अंत तक का जो समय है वो आपका क्या कहलाता है। देखिए अलग अलग टाइम होता है, जब पहली बार वो स्टार्ट करता है तो वो उसका रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है, जब वो रेस्पॉन्स के बाद वेट करता है अपने नंबर का वो वेटिंग टाइम कहलाता है, और जितने समय वो प्रोसेस करता है वो उसका थ्रूपुट कहलाता है, और ये कंप्लीट टाइम जो है वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है, जैसे कि मैंने वीडियो में और नोट्स में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम में क्या परिभाषित किया गया है। तो देखिए टाइम क्वांटम क्या होता है, टाइम क्वांटम होता है जब आप इक्वली डिवाइड कर देते हैं और राउंड रोबिन मेथड का उपयोग लेते हैं और टाइम शेयरिंग में यूज करते हैं, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए आप निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। तो देखिए मैंने अलग अलग तरह से अलग अलग टाइप के ग्रुप बना बना के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताए हैं, तो वो आपको सॉल्यूशन में मदद करेंगे कि क्लाइंट सर्वर का पार्ट कौन सा है, विंडो 2000 है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता। देखिए एकदम हटके बात है, जितने भी पुरानी विंडोज आप देखेंगे उसे एक विंडो 8 ऐसा विंडो है जिसमें स्टार्ट बटन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को समर्थन नहीं करता, मतलब मल्टी प्रोग्राम एक साथ में रन नहीं होते। तो ये सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम है डॉस। अब है लिनक्स क्या है, लिनक्स आपको शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे छोटा फाइल का नाम दे सकते हैं, मतलब छोटा फाइल का नाम अगर आप दे रहे हैं तो आप किस में देते हैं, डॉस में देते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था 8 के साइज का इसमें दिया जाता है।
जब स्विच ऑन होता है तो सर्वप्रथम कौन सा प्रोग्राम रन होता है? देखिए इसको मैंने बताया भी था, वैसे तो मैंने नोट्स में आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप लोडर होता है, लेकिन यहां पर वो ऑप्शन नहीं दे रखा तो ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, अन्यथा आता है आपका बूटिंग आता है। ज्यादातर क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब एक विशेष लोडर कार्य करता है जो कि लोड करने का काम करता है, और लोड करने का काम कौन करता है? बूटस्ट्रैप लोडर करता है। ये चीज मैंने बता रखी है, जरूरत है आपको केवल वीडियो देख के क्वेश्चन को करने की, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। निम्न कमांड प्रॉम्प्ट का तरीका क्या है? तो आप देखिए कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, जिसको हम यूनिक्स में सेल कमांड भी कहते हैं। नेक्स्ट चीज ये हो गया, उसके बाद में है किस कमांड का उपयोग डिस्क में ट्रैक को सेटअप पुटर तैयार करने में लिया जाता है। देखिए नॉर्मली हमारे दिमाग में यही चीज होती है कि फॉर्मेट फॉर्मेटिंग कर देता है, डिस्क को एकदम क्लियर कर देता है, बट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रैक और सेक्टर में अगर आप डिवाइड करने का सोच रहे हैं तो वो फॉर्मेट डिस्क है, और यही आपके नए ट्रैक और सेक्टर बनाता है। नेक्स्ट डिस्क कॉपी के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये कमांड मैंने सॉरी की सॉरी लास्ट जो वीडियो का एंड है उसमें सारी कमांड बताई है, तो उसे बताया है कि एक आपके पास डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है या हार्ड डिस्क है, उससे अगर आप एक नई डिस्क बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्क कॉपी कमांड का यूज करिएगा। उसके बाद फैट की फुल फॉर्म आपको याद ही होगी, फाइल एलोकेशन टेबल होती है, जो कि आपको यह बताती है कि बूटिंग के बाद फाइलें आपकी कहां कहां रखी हुई है, उसको कहां कहां से एक्सेस किया जा सकता है, एक तरह से इंडेक्स की तरह काम करती है। साथ साथ में बातें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, तो इसको आप वीडियो का आप दोबारा देखेंगे तो काफी चीजें आपका नॉलेज बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए डॉस वर्जन को जानने के लिए कमांड क्या होगी? वर्जन के लिए VER कमांड होगी, ना कि पूरा कंप्लीट वर्जन लिखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है? तो मैंने OS का कार्य बताते हुए एक डायग्राम भी आपको बताया था, चाहे मेमोरी मैनेजमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन OS का काम नहीं है। लेकिन अगर आप नए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो विंडो 10 की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर आपको पता ही है कि आजकल वायरस प्रोटेक्शन भी उसके अंदर फैसिलिटी दे रखी है, तो आप ध्यान रखिएगा विंडो 10 क्वेश्चन ना पूछा जाए। नेक्स्ट है OS शुरू करने में कौन सी फाइल स्वचालित रूप से निष्पादित के लिए आदेश रखती है? मतलब ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी फाइल है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है, और ऑटो एग्जीक्यूटेबल ही फाइल ऐसी है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट है अचानक डिलीटेड फाइल को किस कमांड के द्वारा वापस किया जा सकता है? आपको पता है कि नॉर्मली फाइल जो भी डिलीट होती है वो आपकी रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन उसके लिए कमांड कौन सी होती है उसको वापस एक्सेस करने के लिए? अनडिलीट आपकी कमांड होती है। अब आप देखिए ये अपन ने अभी तक 34 क्वेश्चन किए हैं, अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन ये देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है? देखिए जब शुरुआत में वर्जन आए थे तो विंडो 1.1 पहला वर्जन आया था, आपके नॉलेज में नहीं होगा, फिर इसी तरह से 3.1 आए थे, फिर 95 इस तरह के वर्जन आने शुरू हुए, तो आप याद रखिएगा कि 3.1 के समय नेटवर्किंग का यूज नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट है कि किस कमांड का उपयोग फाइल को सॉर्टेड ऑर्डर में करने के लिए होता है? देखिए DIR एक कमांड है जो कि डायरेक्टरी की कमांड है, लेकिन उसमें बहुत सारे तरह के ऑप्शन पाए जाते हैं, तो आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, मेरे नोट्स में भी नहीं है लेकिन आप नेट से जरूर सर्च कर लिएगा। DIR AN A और N दोनों ऑप्शन का जब आप यूज करते हैं तभी आपकी फाइल सॉर्टेड ऑर्डर में आती है। नेक्स्ट जो है MS-DOS किसके द्वारा बनाया गया है? MS-DOS जो है देखिए आपको ध्यान होगा कि शुरुआत के अंदर जब DOS बना था तो वो IBM कंपनी ने बनाया था, और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो DOS बना था, लेकिन MS-DOS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। IBM ने तो PC-DOS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, फिर नेक्स्ट है MS-DOS को डेवलप करने वाली प्रोग्रामर कौन सा है? तो इसका नाम अगर आप नेट पे देखते हैं वो कहते हैं तो बिल गेट्स का नाम आता है उसके लिए, और उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो MS-DOS का अंतिम वर्जन कौन सा है? लास्ट वर्जन जो DOS का चला है वो है 6.22, उसके बाद में इसके वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं रही। DOS में कौन सी फाइल इंटरनल कमांड को लोड करती है? इंटरनल कमांड मतलब DOS की जितनी भी कमांड है वो कहाँ स्टोर रहती है? वो command.com के अंदर स्टोर रहती है। जब DOS बूट होता है तब बैच फाइल स्वतः ही रन करता है, उसे बैच फाइल का नाम क्या होता है जो ऑटोमेटिकली लोड होता है, और वो बैच फाइल कौन सी है जो ऑटोमेटिकली, अभी दो मिनट पहले मैंने आपको बताया था ऑटो रन डॉट बैच फाइल,
इसी तरह से आप आगे देखेंगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसे देखो टोटली क्या होता है, डॉस के अंदर 5 फाइलें होती है, तो ये पांचों फाइलों के अंदर ही उससे से रिलेटेड, जैसे command.com हो गया वो इंटरनल कमांड को रखती है, डिवाइस से संबंधित इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गई, डॉस से संबंधित एमएस डॉस हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित, इस तरह से ये 5 फाइलें होती है जो डॉस के अंदर यूज में आती है, इसकी इंटरनल कमांड है, डॉस के साथ ही इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो भी आपके हार्डवेयर है उसको मैनेज करने का काम इसका रहता है। विंडोज 7 इनमें से कौन सी फाइल के प्रारूप को समर्थन नहीं देता? देखिए विंडोज 7 में पुराना वर्जन FTP चलता था, NTFS वो यूज नहीं करता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम क्या है, फर्स्ट कार्य क्या है? फर्स्ट कार्य यही है कमांड वमांड को या यूजर या प्रोग्राम को वो मैनेज नहीं करता, वो मैनेज करता है तो रिसोर्स को करता है, डिस्क मैनेजमेंट का काम करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम करता है। विंडोज XP विंडोज 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ है? देखिए मैंने उसके नाम जरूर आपको बताए थे और साथ में समझाया भी था कि हाइबरनेट होता है जिस कंडीशन में आप उसको छोड़ के जाते हैं वो उसी कंडीशन में शट डाउन होता है, मतलब आपके जो एप्लीकेशन बिना क्लोज हुए आपको उसी कंडीशन में मिल जाते हैं। OS अपग्रेड करते समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? जब भी आप अपग्रेड करेंगे तो आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले फाइल का बैकअप लिया जाता है, उसके बाद आप बाकी बातें सोचते हैं फॉर्मेट वॉर्मेट करना या नया इंस्टॉलेशन करना। NTFS की फुल फॉर्म तो हमें पता ही होनी चाहिए, जब नई टेक्नोलॉजी है तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम भी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, तो याद रखिएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका नाम है। नेक्स्ट है इंटरनल एक्सटर्नल कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी इंटरनल कमांड होती है, कौन कौन सी आपकी एक्सटर्नल कमांड होती है। तो पूछा है कि एडिशनल फाइल को चलाने के लिए किस प्रकार की कमांड की जरूरत पड़ती है, एडिशनल फाइल एक्सटर्नल कमांड के अंदर मिलेगी। अब आप देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टाइम कमांड का उपयोग लिया जाता है। भाई टाइम कमांड किस काम में आता है? सिस्टम के टाइम को डिस्प्ले करता है, जो भी सिस्टम के अंदर का टाइम है वो ये डिस्प्ले आपको करेगा। नेक्स्ट है DIR के साथ किस स्विच का उपयोग लिया जाता है सभी फाइल व डायरेक्टरी को देखने के लिए? मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि आपको DIR के सभी ऑप्शन देखने पड़ेंगे, उसमें एक ऑप्शन है /S, नहीं देख सकते तो ये तो नोट डाउन कर ही लीजिए कि DIR के साथ कौन सा स्विच है जो कि फाइल और डायरेक्टरी दोनों दिखाता है, तो वो /S है। DIR पे एरर फिक्स करने के लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा है? अगर आपके एरर आ रही है तो आपको पता ही होगा स्कैन डिस्क, एफ डिस्क, चेक डिस्क, उसके अंदर एक होता है स्कैन डिस्क जो कि स्कैनिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट है कॉपी कमांड फाइल को कॉपी करता है, इसका एक निश्चित करने के लिए किस कमांड का उपयोग लिया जाता है, मतलब अगर आप कॉपी कमांड का यूज कर रहे हैं तो कॉपी के साथ आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के लिए /V एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वेरिफिकेशन करने का काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि IBM ने 1981 में अपना पहला PC जारी किया था, उसपे कौन सा सबसे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था? याद रखिएगा शुरुआत IBM ने की थी, बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आई थी बिल गेट्स के द्वारा, बिल गेट्स जब अलग हो गया था तो उसने अपने अलग सा डॉस बनाया था, अलग सा विंडो बनाया था, विंडो 1.1 बनाया था, जबकि IBM ने भी अपना OS बनाया था और उस OS का नाम OS/2 था, तो इस तरह से उसके वर्जन थे लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया और उसी समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना विकास किया था, डेवलपमेंट किया था। नेक्स्ट देखिएगा कि एक अनुवादक के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया जाता है, अगर आप इंटरप्रेटर या आपने नाम सुनाओ ट्रांसलेटर का नाम सुनाओ तो ट्रांसलेटर हमेशा आपको ध्यान रखना सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसलेटर? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर नाम से एक वीडियो बना रखा है जो कि IA की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें डाल रखा है, उसमें सॉफ्टवेयर मैंने समझा रखे है और उनके एग्जांपल के साथ बोर्ड पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है कि एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो प्रक्रिया होती है वही सेम बात बूटिंग होती है। वीडियो देखो फिर आप इसको कीजिए, ये नहीं है कि आप सीधे इसको टिक करने बैठ गए तो आपको नेगेटिव मार्किंग की आदत पड़ जाएगी। अब देखिए एक प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर क्या होता है? एक ऐसा उपकरण होता है जो मेमोरी में निर्देश संचालन का अनुक्रम करता है, मतलब कैसा प्रोसेसर क्या करता है डिसाइड करता है कि किसके बाद किसको रन करना है,
थोड़ी हिंदी जरूर टफ है लेकिन आप समझ जाइएगा कि वो स्पेसिफाइड करता है कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसका सीक्वेंस डिसाइड करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एमएस डॉस में किस कमांड का उपयोग ब्लैंक फ्लॉपी डिस्क की सतह के क्षेत्रों में विभाजित करने, वही सेम बात जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी पिछले वाले में कि फॉर्मेट एक ऐसी कमांड है कि आप ये नहीं बोलेंगे कि डिस्क को क्लियर करने का काम करता है, आप ये बोलेंगे कि ये ट्रैक और सेक्टर बनाने का काम करता है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी आवंटन की एक विधि है जिसके द्वारा बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका उन पतों को शामिल करता है जो गन्ना का निष्पादन करता है। और उसी तरह से तीसरा कह रहा है प्रोसेसर समय आवंटित करने की विधि है। तो आप ये समझिए मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब कई प्रोग्राम को एक साथ अलग अलग जगह पे रन करना होता है, तो उस समय कोर के अलग अलग क्षेत्रों में मल्टीपल प्रोग्राम की परमिशन मिलती है, तभी हम उसको मल्टी कोर ड्यूल कोर ये नाम देते हैं। अगर आप समझ रहे हैं बात को, तो एक अनुवादक जो उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को रीड करता है, तो अभी दो मिनट पहले मैंने आपको बताया था वो कौन है, आपका कंपाइलर है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो भाई एक सॉफ्टवेयर ही तो है, एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है ना कि हार्डवेयर है। ये नहीं कि आपने उपयुक्त सभी पे क्लिक कर दिया जैसे नॉर्मली हमारी आदत रहती है। सॉफ्टवेयर को दिया गया नाम है जिसे कानूनी रूप से संकलित किया जाता है, अक्सर रूप से मुफ्त मिलता है, मतलब एक तरह से इसको कॉपीराइट है लेकिन ये फिर भी फ्री में आपको अवेलेबल करवाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखिएगा फ्री वे फ्री में मिलते हैं लेकिन उसका भी कॉपीराइट होता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी जिसका आपने कॉपीराइट ले रखा है लेकिन फिर भी आप उसको फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। शेयरवेयर ऐसे होते हैं जो भी आपको फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, तो इनका थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, इनका शेयरवेयर फर्मवेयर लाइवेयर। इसी तरह इनमें से कौन सा ब्लॉक डिवाइस है, कौन सी ब्लॉक डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लॉक डिवाइस जो ब्लॉक में स्टोर करती है, ब्लॉक में स्टोर आपकी कौन करती है, डिस्क करती है। निम्नलिखित से वह कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या बना देता है, सरल बना देता है। तो आपको मैंने नोट्स में भी आपको बताया था कि आप बराबर बराबर भागों में आप डिवाइड कर देते हैं, फिर उनको आप क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं इक्वल टाइम में डिवाइड करने के बाद। फिर मशीनी भाषा के बजाय असेंबली भाषा का प्रयोग लेने से क्या फायदा होता है, देखिए सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो 01 के रूप में आई थी, उसके अंदर क्या होता था उसको पढ़ना लिखना बहुत क्या होता मुश्किल होता था। फिर आपके असेंबली लैंग्वेज आ गई, उसे न्यूमोनिक्स का यूज करने लग गया, तो पूर्ण रूप से आपको 01 का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सारी फैसिलिटी उसके अंदर आपको मिलती है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन में परिवर्तन करना, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है ये चाह रहा है कि जो भी हार्डवेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सुधार करना पड़ता है। सुधार करने को हम अपग्रेडिंग कहते हैं। आपको पता है कि आजकल के नए हार्डवेयर आ गए, क्या उससे पुरानी विंडो चलती है क्या, नहीं चलती, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। आईबीपीएस बैंक के क्लर्क एग्जाम 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट कीजिए निम्नलिखित कौन सा पद सॉफ्टवेयर को बहुतर रूप से परिभाषित करता है, मतलब ये कह रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम भी शामिल होता है, सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल होता है, तो कुल मिला के वो भी दोनों हो जाएगा। यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं और पत्र तैयार करने के लिए, मतलब किसका उपयोग लेंगे, एप्लीकेशन तैयार करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग लेंगे। सॉफ्टवेयर के टाइप थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि सॉफ्टवेयर के टाइप आते हैं तो ओएस के क्वेश्चन तो बनते ही है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, काफी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके SBI के क्लर्क एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए उसके बाद निम्न से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, शुरू में आपको बता दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट चीज है निम्नलिखित कौन से पांच शब्दों कौन से मैच नहीं हो रहे, अलग सा कौन सा है, कौन सा है, देखिए एप्लीकेशन पेरिफेरल प्रोग्राम हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया और एक हो जाएगा, इसमें पांच तो आए ही नहीं, इसमें चार ही दे रखे हैं। तो आपका देखिए एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन से रिलेटेड हो गया,
पेरिफेरल आपका, पेरिफेरल से डिवाइसेस होती है पेरिफेरल, तो प्रोग्राम आपका सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, तो ये आपका सेपरेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं जो कि कंट्रोल करने का काम करता है, तो क्या चीज होती है, सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए, डिजाइन करने के लिए आप किसका उपयोग लेते हैं, तो आपको पता ही होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं कि क्वेश्चन वही है तो वही होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है, जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपके मन में आ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पेपर तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही टॉपिक होगा। वॉइस डेटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर को, एक सीन यह है कि वो क्या होता है, जो वॉइस डेटा के लिए क्या काम करता है, अलग अलग ध्वनियों की पहचान करता है और फिर आपको उसकी ट्रेनिंग देता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट आपका कौन है, ऑफिस असिस्टेंट आपका देखिए एप्लीकेशन नोट्स लेने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पे बटन सेव कमांड होगी, वर्ड में ऑटो करेक्शन, ये सारी चीजें उसमें है, तो कुल मिला के एक एनिमेटेड करेक्टर जो सहायता और सुझाव उपलब्ध करवाता है, ये आपका ऑफिस असिस्टेंट नहीं है, बाकी सभी ऑफिस असिस्टेंट ही है। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है, एक एनिमेटेड करेक्टर होता है जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है। देखिए आपके हेल्प के लिए बात चल रही है, हेल्प आपका एनिमेटेड करेक्टर होता है और वो आपको प्रोवाइड करवाता है, तो क्वेश्चन समझने की बात है, ऑफिस असिस्टेंट मतलब हेल्प से रिलेटेड ही बात कर रहा है। और निम्नलिखित से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको पता ही होगा कि आपको पता ही है, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कौन कौन से जो है इसके वर्जन आए थे, तो आपको पता है सिम्बियन का ओएस मैंने उसे बताया था, जरूरत केवल वीडियो देखने की थी, क्वेश्चन करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से अब अगला जो मेरी सीरीज होगी वो किसकी होगी, नेटवर्किंग की होगी, तो उसके वीडियो आप पहले देख लीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। निम्न से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता ही है विंडो एनटी कैसे हो सकता है, विंडो एनटी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर नेक्स्ट है मैकलाइट नामक लैपटॉप के किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग लिया जाता है, देखिए ये थोड़ा हटके बात है तो आप भी थोड़ा नॉलेज में डाल लीजिए, ओ जेड उसके अंदर यूज में आता है, हो सकता है आपको नहीं पता होगा ना ही आपके ध्यान में आया होगा, तो अब नोट डाउन कर ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित कौन से संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए, ऐसे क्या क्या चीजें है, तो आपको पता ही है ज्यादातर वही सेम आपका जवाब, ये सभी इनपुट आउटपुट मेमोरी और सीपीयू, इस बार आपकी आदत एकदम सेट बैठेगी कि डी आपका आंसर है। और इनमें से कौन सा सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है, तो आपको पता है सी है, पीएल है, पास्कल है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर एकदम सेट बैठेगा उपरोक्त सभी। फिर निम्न के कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है, देखिए मैं वापस से फिर वही बात बोलना चाहूंगा कि एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो जरूर देखिएगा, अगर जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिए, मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के साथ में ही। और अब इसे क्या पूछा है कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को मैनेज रखते हैं, तो फाइल को कंप्रेस करना, एंटीवायरस, नेटवर्क को मैनेज करना, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल होंगे। अब है कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया, मतलब कमांड को रन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कमांड को रन करने की प्रक्रिया तो आपको पता ही होगा कि एग्जीक्यूटिंग कहलाती है, एग्जीक्यूट का मतलब ही रन करना होता है। किस प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा रिमूव करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, भाई हटाने का मतलब क्या होता है, अनइंस्टॉलेशन। बहुत ही इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट में कोई बड़े मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। FSF, हाँ ये आपने कभी नहीं ध्यान दिया होगा तो आप ध्यान रखिएगा, फ्री जितने भी सॉफ्टवेयर है उनका फाउंडेशन FSF कहलाता है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। पेजिंग क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, अगर ज्यादा डीपली आप करते हैं तो वर्चुअल मेमोरी आपने टॉपिक सुना होगा, तो पेजिंग क्या है, पेजिंग को कैसे लागू किया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा हार्डवेयर की मदद से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि NEFT और RTGS किससे संबंधित है, बैंक से संबंधित है, भाई ये तो क्वेश्चन ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ज्यादा करीब नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम है, वास्तविक समय रियल टाइम
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है, तो ये नॉलेज की बात है, विंडोज सीई ये आपको नाम नहीं आया होगा। अभी क्या कह रहा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लेबोरेटरी में बना था, आपको पता होना चाहिए कहां बनाया गया था, बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था, और जो लिनक्स है वो लिनक्स टॉरवाल्ड के द्वारा बनाया गया था, और यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसकी विशेषता आपको पता ही है एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम था तभी तो आपने लिनक्स का यूज करना शुरू किया है। इनमें से कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है, मतलब यंत्र सामग्री नहीं है, प्रचालन तंत्र, शुद्ध हिंदी है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्रचालन तंत्र बोला जाता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये तो सब यंत्र है ही, और इसके अलावा जो बच गया वो प्रचालन तंत्र है।